ओ इंटरव्यू हो रहा है। हाँ जी, क्या पूछने? अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्लास वाइज भी अच्छे लोग मिले, एक्सेप्ट कुछ ऐसे सेमेस्टर्स थे जिसमें जीपीए ज़रा मैटर करते हैं, तो लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। यूनिवर्सिटी लाइफ में ये नहीं कह सकता कि मैंने इन्जॉय नहीं की, बेस्ट लाइफ थी यार। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे फ्रेंड मिले मुझे, जिन्हें कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स, और ज़िंदगी के चार साल जिन्हें कहते हैं बेस्ट वन बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, वो थे। और यूनिवर्सिटी भी ठीक है, और जो सबसे अल्लाह ताला की नेमत ही थी एक जो मुझे फ्रेंड मिले, बहुत अच्छे हैं। आई फेस कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, बैड एंड गुड बोथ। यार फोर इयर्स की जो लाइफ है वो थोड़ा मिक्स्ड एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बुरा एक्सपीरियंस भी है। अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि इन्जॉय काफ़ी ज़्यादा किया है, ट्रिप्स पर भी गए हैं, वहाँ पर भी काफ़ी मज़ा आया। और बुरा एक्सपीरियंस ये है कि कभी कभी काम बहुत ज़्यादा किया है, तो कलेक्टिवली थोड़ा मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। वैसे ओवरऑल मज़ा आया यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, बहुत मज़े की थी। चार साल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त स्टडीज है, और ख़ासतौर पर जब पटिया से दोस्त हो ना, फिर चार साल का पता नहीं लगता कैसे गुजर गए। स्टडीज वाली बात को निकाल के ना जो भाई ने की है, बाकी वही बात है। इधर मज़ा तो है, लेकिन जो इधर टीचर्स हैं ना, उनका थोड़ा सा ना मतलब बिहेवियर है ना बच्चों के साथ, वो ठीक नहीं है। वैसे ओवरऑल प्राउड टू बी अ कॉम्सियन। ठीक है यार, चार साल गुजर गए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे दोस्त मिले हैं, और इसके अलावा स्टडी भी अच्छी होती है। मार्किंग क्राइटेरिया थोड़ा टफ है, लेकिन मैं अपने बच्चों को भी एडवाइस करूँगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है इनके साथ, मतलब कॉलेज लाइफ से ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे। बस दुआओं से निकल ही गए हैं, पास हो गए हैं। मिक्सचर है, एक्सपीरियंस है, फन है, वेस्ट ज़्यादा है। एक वर्ड में बता सर, मजबूरी चार साल। एक्सपीरियंस इंजॉयमेंट बहुत अच्छा गुजरा है, एक्सपीरियंस हुआ काफ़ी ज़्यादा, कैसे लोगों को टैकल वगैरह करना है, पहचान लोगों की, ये वो। अमेजिंग, मेमोरेबल एंड डिजास्टर्स एज वेल। इन चार सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे दोस्त भी मिले हैं, कुछ चावल यार भी मिले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं ये चार साल, हमेशा याद रहेंगे। हर चार साल की ज़िंदगी मेरी बहुत अच्छी थी, ठीक है, बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा अच्छे। बर्थडे के लग दिया और अगर देखा जाए तो यार ये कह सकते हैं कि कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, ठीक है। चार साल बहुत अच्छे गुजरे, बहुत कुछ सीखने को मिला इधर। SP15 का बैच बहुत ज़बरदस्त है, खासतौर पर दाऊद रज़ा भट्टी, इसको निकालो तो। यार SP15 वैसे पसंद किया जाता है मोस्टली, ऑलमोस्ट टीचर ने ये बात की है, लेकिन मेरे ख्याल से इस बैच के अंदर वो यूनिटी नहीं है जो होनी चाहिए। बड़ी लेवल पर SP15 एक कह लो कि ना आप अच्छा बैच है, ओवरऑल देखा जाए ना बच्चे बीच में काफ़ी मतलब कोऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, मतलब बाकियों की नस्बत देखा जाए ना, काम के लिहाज से कुछ करवाना हो मतलब हेल्प भी कर देते हैं। यार बेसिकली बैच मुझे इतना पसंद नहीं आया। अमेजिंग, एक्सेप्शनल, ऑसम क्लास, बोरिंग। SP15 बैच पढ़ाकू बच्चे थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, याद रहेंगे सारे। 144 एस इज द बेस्ट बैच ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक ही है बस, अपने में अच्छे थे लड़के।
दोस्त, गुड पीपल, बेस्ट बैच, अमेजिंग गुड इट वाज, फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा भी बैच है और थोड़ा सा बीच में डावाडोल भी है, यानी कि दो चार लोग ऐसे हैं जो बहुत ही नकम्मे हैं जिन्होंने किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा बैच है। वन लाइन में नहीं बयान कर सकता, मैं पूरी किताब लिख सकता। अच्छा, पूरी किताब लिख सकते हैं। किस तरह की बुक्स लिख सकते हैं आप? रोमांटिक, रोमांटिक और वर्ल्ड वगैरह। बेस्ट हो यार तुम सब। नॉटीएस्ट पर्सन? यार मेरे ख्याल से अस्लान इरफान। मैं तो अपने ही नाम लूँगा। कौन हो सकता है यार? मेरे ख्याल से क्लास में मुझे, मैं खुद को ही लग रहा कि मैं ही हूँ। नॉटीएस्ट पर्सन अकील खादिम, वकास यूनिस एंड अकील खादिम। एहसान, जहाँ तक मैं जानता हूँ। नोटियस्ट दाऊद रजा भट्टी, यार कमाल बंदा है। दाऊद रजा भट्टी नोटियस्ट पर्सन, वैसे तो बहुत है मगर भट्टी साहब भी हैं, मगर भट्टी साहब और राशि साहब का नाम लूंगा मैं। चलो मैं सबसे नोशी भी है वैसे। सी आर अपना यार, असलान खालिद आई थिंक। ये ऑप्शन नहीं यार अपने। शरारती, शरारती यार नोटियस्ट तो नहीं है कोई भी, लेकिन शरारतें हर बंदे में आती हैं, वो मैं भी इंक्लूडेड हूँ उसमें। बैच आई गेस फैब फ्रॉम माय क्लास। सबसे ऊपर नाम है वो अकील भाई हैं। यार नोटियस पर्सन था वकास, वकास यूनस, नहीं वो छोड़ गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो नोटियस पर्सन है अस्तान खान, फजल रहमान, हसान वाले। या मेरे हिसाब से आइंस्टाइन। नहीं मेरे हिसाब से है खैर। यार मेरे हिसाब से आसान है थीटा। यार थीटेस तो बड़े हैं यार यहाँ पे, एक जैसे तुम कूदो में सबा है और थीटों में यार, और हमजा रसूल, स्पेशली हमजा रसूल, फातिमा खालिद, वो पहले पे फातिमा खालिद। थीटा एक लड़का है, उमैर अहमद और हमजा रसूल। उमैर हमजा, हाँ सबा। थीटा ऑफ क्लास, थीटा बच्चा वैसे उमैर था। सही, तू थीटा, तू ही था और कौन था? थीटा एक तू, एक फातिमा। लड़कियां आया तकरीबन सारी, चार पांच सारी। थीटा ऑफ क्लास वैसे ये जो वीडियो बना रहे वो भी हैं उमैर भाई, मगर थीटी है एक। उमैर अहमद, उमैर के अलावा कौन है? फातिमा, फातिमा, फातिमा। थीटों में हमजा रसूल आ जाता है, उमैर आ जाता है। थीटियों में नहीं यार, वो उमैर का नहीं कह सकते। उमैर पहले चार सेमेस्टर का थीटा है, उसके बाद बंदा ये ठीक हो गया। थोड़ा कम क्लास के थीटे उमैर भाई हैं हमारे। थीटा फिरा इशाद, थीटा ऑफ क्लास है यार, कपल है एक, वो ही है क्लास। राशिद रहो यार, इस पे मैं एग्री करता हूँ, राशिद अली रहो। मैं इस पे खुद पे एग्री करता हूँ कि मैं ही हूँ। आई विल डेडिकेट टू बिली। मैं खुद, ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई मैं खुद। पंगेबाज तो बहुत ज़्यादा है, हर कोई करवाते रहता है, आप समझ रहे हैं क्या करवाते रहते हैं। यानी टॉप ऑफ द लाइन में कह सकते हो अकील है, राणा। मैं था पहले, अब पंगे ये सईदुल हसन बहुत लेता है। किसके साथ? सैयद मूसा के साथ लेता रहता अक्सर। पंगेबाज पहले था फाशा, क्लास में होती थी बारी, अरसलान। पंगेबाज उमैर अहमद जो इतने को इतने पंगे देते ना, अल्लाह की कसम से मेरी जिंदगी हराम की है। मैं स्टेटस डाल दूं, हजार जवाब मारेगा।
हमें वो जवाब नहीं बता सकते तुम लोग पंगे बाद सईदुल हसन आई थिंक सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बड़ी गलत फहमी ये है कि क्लास में हरी उम्र बहुत होते हैं खासतौर पर शरीफ लोगों के खिलाफ दो ज़्यादा बैठी जाए बच्चों के खिलाफ बहुत हरी उम्र पे आप समझ सकते हैं यार चार साल बाद सडनली एक बंदे को अप्रोच करना और रिस्पॉन्स की उम्मीद रखना वो भी कमेंट्स में हाँ इस बात से मैं भी एग्री करूँगा कि आप मतलब किसी को चार साल के बाद उसे मैसेज करो या कमेंट करो और उसका रिस्पॉन्स की आप उम्मीद रखो ये तो फिर नामुमकिन से बात है क्वेश्चन रिपीट करें हाँ नहीं कोई भी नहीं अच्छी क्लास थी बहुत अच्छे लोग अच्छा टाइम गुजरा इन सब नहीं यार सारों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा अगर मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि अगर मेरी तरफ से कुछ हो गया हो तो आई एम सॉरी हाँ बस छः इस तरह के मतलब चेंज होते हैं मैच्योरिटी आती रही गलत फहमी थी मैच्योरिटी आती रही टाइम गलत फहमी यार पता नहीं गलत फहमी के दुरुस्त फहमी है पता नहीं मुझे लेकिन ना यूनिटी हमारी क्लास में बहुत कम है ग्रुप्स है ना जैसे कि कुछ लोगों का सर्कल है वो अपने ही मतलब कि उसमें रहते हैं दायरे में वो दूसरे उससे मतलब कि ना उससे बाहर नहीं निकलते हैं और दूसरों से जैसे वो सलाम लेना भी गवारा नहीं करते हैं अक्सर इस तरह मतलब कि ना कुछ हैं मतलब ग्रुपिंग है हमारी क्लास में यूनिटी नहीं है गलत फहमी बहुत है मगर बता नहीं सकते इधर कैमरे में इतना नहीं सोचा क्लास गलत फहमियाँ बहुत सी हैं लेकिन है मुझे किसी के बारे में किसी कोई किस्म की गलत फहमी नहीं है बस आपको अच्छी तरह से जानता हूँ यार गलत फहमी ये थी कि मैंने जिनको दोस्त समझा वो साफ निकले गुड वन मैं उनको सात सेमेस्टर तक भाई समझता रहा अच्छा नागिन निकले फिलहाल तो ऐसी कोई नहीं है जो क्लास में हो शादी सैयद फहद अली शाह कहानी बात सैयद फहद अली हमजा सैयद फहद अली शाह यार मेरे ख्याल से सैयद फहद यार मेरी तरफ से मेरी तरफ से शदीद सिंगल्स वो देख कभी अलविदा ना क्या कभी खुशी कभी गम ब्लड डायमंड लालची मूवी टाइटल नहीं यार नहीं जाएंगे मूवी ये यारन मुल्ले काफी अच्छी मूवी फ्रेंड्स की वही शूट कर खिलाड़ी 420 मूवी टाइटल कभी खुशी कभी गम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सिर्फ बेहतरीन चार साल थे कभी खुशी कभी गम यारन मुल्ले एंड यार चन्ना मेरे क्योंकि वही याद आना एंड पे आपको तो मेरी नानी मैं राजा आजा आजा बाहों में आजा यार यू ठीक भाई कह रहे हैं आ रात भर जाए ना घर ऐसे ही लगा लो इस बे पे वे गुजरा वे हम याद आएंगे जो पंजाबी सॉन्ग है यारन मुल्ले वो मतलब दास के लिए हाँ बड़े चेते आंदे ने यारे यान मुल्ले पे गाना दिल टूटे बस यादें रह जाती है मस्त मलंग जैकी पाई डाडा दिल तंग जैकी मुझे इन जैसे का सहारा है दोस्तों यार सॉन्ग दो तीन एक फेंक दी तू मार दी ऊंचा पानी तो दी पड़े तो गम तो नहीं यार हमें गम है भाई गम तो नहीं यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा यार कन्फेशन अपनी क्लास के लिए भी है लेकिन मेरे ख्याल से
ऑन कैमरा ठीक नहीं रहेगा यार। ये कन्फेशन तो बोल से हैं लेकिन अब मैं बता नहीं सकता, मैं इसमें मुझे मैसेज में पूछ रहे हैं ना, बहुत कुछ बताऊँगा। कन्फेशन क्या कहें, अब इस टॉपिक को ना ही डिस्कस करेंगे जैसा है। कन्फेशन यार एक ही बंदी थी बस, उसके लिए था, अब वो खत्म हो गया। कोई हर बंदा ही जो है ना मास्टर नहीं, कन्फेस मैं बहुत साल पहले करके आया था, कोई कन्फेस नहीं कर दिया था, पानी फेंका मैं बाथरूम में एक दो लड़कों, मेरे पास तेरी तस्वीरें हैं सारे वाले क्लास में, कोई भी पसंद नहीं, अच्छे दोस्त हैं सारे। यार गुड लक योर फॉर योर फ्यूचर, स्टे इन टच, स्टे ब्लेस्ड और मिलते रहा करो। ये शक्लें मनोज शक्लें मुझे बहुत याद आएंगी, आप सब याद आ। यार अल्लाह सारों को कामयाब करे, सारों को अच्छे अच्छे मार्क्स दे, यानी सारों के अच्छे अच्छे जीपी आए, अच्छी अच्छी पोस्ट मिले, जॉब्स अच्छी मिले, और जहाँ पर भी जाए अल्लाह कामयाब करे सारों। बस यार ज़िंदगी छोटी सी है तो एक्सपीरियंस करना चाहिए, 30 लाइफ ऑफ एडवेंचर इज ग्रेट, अच्छी है 30 लाइफ एडवेंचर 100 साल बोरिंग लाइफ की नस्बत, इसलिए मज़े से जीना चाहिए। मैसेज यार यही है कि मेहनत करो, और मेहनत करो और जॉब्स भी करना। तो मैसेज ये है कि ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। मैं मैसेज देता हूँ, मैसेज ये है जो हो वो रहो, चेंज ना हो किसी के खाते। और मेरा मैसेज ये है, लड़का हो या लड़की, इक्वल राइट्स होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं क्लास में जो हमें नज़र आते हैं आजकल के दिनों में खास तौर पे। वैसे यही है यार, सारी ज़िंदगी हम आपको याद रखेंगे, आपको कभी कोई काम हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो लाजमी कॉन्टेक्ट करें, बाकी अल्लाह सबको खुश रखे और अच्छी हो। गुड लक फॉर फ्यूचर एंड वर्क हार्ड, खुश रहो, आबाद रहो, अपने अपने खर्चे। पढ़ाई कोई फायदा नहीं पढ़ाई का, अपना अपना कारोबार जिते लाल है। मैसेज प्रैक्टिकल लाइफ होने लगे शुरू, तो सब को बेस्ट ऑफ लक, सबके लिए सारियाँ इंजॉय करें लाइफ अपनी, और भूलना जाना, याद रखना दुआ। हाँ इसको ना भूल। बस दुआएं हैं कि अल्लाह हर बंदे को कामयाब करें। ऐसे बेस्ट ऑफ लक की कहना चाहूँगा सबको, अल्लाह ताला सबको हंसता खेलता रखे और तरक्कियाँ अदा करे, और देखिए जितनी मंजिलें हैं सबकी आसमान, और इसी तरह हम लोग आपस में मिलते जुलते रहे। हाँ बड़ा कुछ सीखा है वैसे, बहुत फ्रेंड्स से मिले उनसे, मतलब बड़ा मिच्योर हुई है लाइफ, और बहुत उसके शुक्रिया अदा करूँगा सबका। तंबू में यार जैसा भी वक्त गुजरा है हमें नेक्स्ट अच्छे एक दूसरे को अल्फाज में याद रखना चाहिए, और एक दूसरे को याद भी रखना चाहिए, अगर किसी से कोई गलती हुई है तो वो माफ़ कर देना चाहिए, अगर मेरे से किसी किस्म की हुई है या कोई हर्ट हुआ है तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। इस चीज़ को देखा जाए कि कैरियर क्या बनाना है, तो कैरियर के साथ यार लॉयल होना पड़ता है, ठीक है, तो ज़िंदगी में बस एक चीज़ याद रखो, हमेशा लॉयल रहो इंसान के साथ भी, कैरियर की कंपनी से। अब सब लोगों ने से फ्यूचर में जाना ही, आगे काम शाम करना है कुछ ना कुछ, तो सीखोगे भी अच्छा, सीखो अच्छा, एक दूसरे की मदद करो और लाइफ में हमेशा खुश हो, कभी ज़रूरत पड़े हमारी तो हम बिला वजह हाजिर है। अच्छा मूसा ये बताओ, आपका यार एक रिश्ता था इधर, उनका क्या सीन बना, मैंने सुना उनके साथ आपका रिश्ता तय हो गया है। यार इन चार सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाला मैंने सीख लिया। यार एक्सपीरियंस हर लिहाज से लोगों की पहचान हो जाती है। बहुत सारे हैं जिनमें सरे फैसे फैसे सरे फैसे सरे फैसे फैसे बस यादें 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 रह जाती है बस। Oh, my God.